नमस्कार दोस्तों, हड्डियों का दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे बूढ़ा हो या नौजवान हो या बच्चा हो, किसी के भी हड्डियों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोग सही समय पर और सही भोजन करना बिल्कुल भूल गए हैं। जब हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व और कैल्शियम की कमी होती है, उसी के वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है और हमारी हड्डियों में दर्द होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे उपाय यानी कि घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पुराने से पुराने हड्डियों, जोड़ों और घुटनों की दर्द की समस्या को बिल्कुल आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है वो है दोस्तों, आधी गिलास की मात्रा में दूध। जी हाँ, आप यहाँ पर गाय या भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं। दोस्तों, दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है उन्हें ये पूरा करने का काम करता है और साथ ही साथ हड्डियों और दांतों को बिल्कुल मजबूत बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम लेंगे आधे गिलास की मात्रा में दूध। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। दोस्तों, आप चाहें तो आप यहाँ पर कच्चे हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए बिल्कुल लाभदायक माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कच्चा हल्दी को इसमें पीस कर और इसमें एक चम्मच की मात्रा में इसका पेस्ट मिला लें और उसके बाद से इसका सेवन करना है। तो यहाँ पर मैं घर का हल्दी यानी कि जो पीसा हुआ हल्दी है पाउडर, उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे आधी चम्मच की मात्रा में पीसा हुआ हल्दी और इसी दूध में हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर लिया हल्दी। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी हड्डियों, जोड़ों, घुटनों इन सारी समस्याओं से बिल्कुल आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके बदन में काफ़ी थकावट होता है, दर्द होता है, तो इन सारी समस्याओं से भी ये छुटकारा दिलाने का काम करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, लोग नुस्खा बनाना तो जानते हैं, लेकिन सही समय से और सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए अब हम जानेंगे कि हमें इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस्तेमाल जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या से बिल्कुल परेशान है तो वो अपनी समस्या से निजात पा सकेंगे। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है। आप जब भी फ्रेश हो जाएं तो फ्रेश होने के बाद से आप इस नुस्खे को तैयार करें और इसे पी जाएं। इसके बाद से आपको एक बार रात्रि में भोजन करने के आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का इस्तेमाल मात्र 4 से 5 दिन तक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो भी हड्डियों, जोड़ों और गठियों का दर्द है वो बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं तक। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।